तो क्या होता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस, यानी आइंस्टीन की मास एनर्जी जो रिलेशन था वो क्या था? अब ध्यान से समझिए, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन था E इक्वल टू एमसी स्क्वायर, मतलब कोई मास जो है अगर एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो E इक्वल टू एमसी स्क्वायर के बराबर लिखा जाएगा। अभी सी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम होता है, जिसकी वैल्यू आपको पता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से देखिए, आइंस्टीन ने अपने रिलेशन में बताया कि मास कन्वर्ट इनटू द एनर्जी एंड ऑल्सो एनर्जी कन्वर्ट इनटू द मास, मतलब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है तो एनर्जी मास में भी कन्वर्ट हो सकती है। इसी चीज को यहां पे समझने के लिए हमने यहां पे दो एग्जांपल दिए। एक पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन में अगर हम देखें तो एक गामा फोटोन होता है। गामा फोटोन आप समझते हैं, गामा फोटोन के पास रेस्ट मास जीरो होता है, मतलब इसके पास मास होता नहीं, लेकिन इसके पास एनर्जी होती है, हर फोटोन के पास एनर्जी होती है। तो गामा फोटोन के पास एनर्जी होगी, जब गामा फोटोन जो है किसी एटम के न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेगा तो स्प्लिट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में, राइट, एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। आपको पता है ये पार्टिकल्स है और इनमें मास होता है, तो देखो एनर्जी किस तरह से मास में कन्वर्ट होगी। तो ये आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशन हमें कुछ बताना चाहिए कि मास एनर्जी में कन्वर्ट जाता है एनर्जी मास में। इसी तरह से एनिहिलेशन ऑफ मैटर, एनिहिलेशन ऑफ मैटर वाली रिएक्शंस है। इस एग्जांपल में देखिए, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन, अभी बताया इनके पास मास होता है क्योंकि पार्टिकल्स होते हैं। जब ये दूसरे के साथ एनिहिलेशन होंगे, एनिहिलेशन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ टकरा जाना और एक दूसरे को निकल जाना और फिर ब्लास्ट हो जाना। जब ये ब्लास्ट हो जाएंगे, टकराएंगे, तो ये स्प्लिट होकर एक फोटोन और दूसरा फोटोन बनाएंगे, यानी दो फोटोन बनाएंगे। आपको पता है इनके पास तो मास होता ही नहीं है, एनर्जी होती है। तो देखो यहां मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में और ऊपर देखें एनर्जी कन्वर्ट हो गई मास में। तो इस तरह से ये होता है आइंस्टीन मास।